इस वक्त हम लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं और आपको कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे, जैसे कि कंट्रोल रूम में दिखाएंगे किस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है, उसी तरीके से यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। आप देख रहे हैं कि जगह जगह इस तरीके के पोस्टर्स लगा दिए गए हैं कि कृपया नींद की स्थिति में वाहन ना चलाएं। 61 किलोमीटर के बाद आगे आपको एक विश्राम गृह आपको मिल जाएगा, रेस्ट प्लाजा मिल जाएगा, वहाँ पर आप विश्राम कर लें। और आप ये भी इसमें देख रहे हैं कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अधिक वाहन ना चलाएं। ये एक गाइडलाइन जारी की गई ताकि ओवर स्पीडिंग को रोका जा सके और इसको रोकने के लिए चालान भी किए जा रहे हैं। और आप इसमें देखेंगे कि आप कि आगे जो है आप निर्धारित गति सीमा आप इसमें देखें कि जो बड़े वाहन यानी बस को कहा गया कि वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा और कार के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से यहाँ पर निर्धारित किया गया है और उससे ज़्यादा स्पीड पे लोग गाड़ी ना चलाएं, इसको लेकर के भी यहाँ पर निर्देशित किया गया। बावजूद इसके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से लोग तेज़ रफ्तार में निकलते हैं। और एक चीज़ आपको और भी आपको बताएंगे, यहाँ पर ये भी एक गाइडलाइन जारी की गई है कि जो वाहन के टायर है, चूँकि गर्म होने से अक्सर टायर फटने की घटनाएं होती जिससे एक्सीडेंट होता है, तो ये भी इसमें लिखा गया है कि आप थोड़ा सा विश्राम कर लेंगे, थोड़ा गाड़ी बीच में रोक लेंगे तो टायर ठंडे हो जाएंगे जिससे दुर्घटनाएं कम से कम हो। बावजूद इसके इस एक्सप्रेसवे पे आप देखते हैं कि लोग तेज़ रफ्तार वाहन भगाते हुए चले जाते हैं और जो निर्धारित गति सीमा है उसका पालन नहीं करते हैं और इसको लेकर के लगातार यहाँ पर चालान भी किए जा रहे हैं। बावजूद इसके दुर्घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं। आज जिस तरह की घटना यमुना एक्सप्रेसवे पर सामने आई कि 29 लोगों की मौत हो गई, ये वो एक्सप्रेसवे है जो लखनऊ से आगरा और आगरा के बाद इसी एक्सप्रेसवे के जरिए लोग यमुना एक्सप्रेसवे पे सफ़र करते हैं ताकि वो दिल्ली या नोएडा तक पहुंच सके। तो यहाँ पर यूपीडा की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसका पालन नहीं हो पा रहा है, शायद ये भी एक बड़ी वजह है कि दुर्घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं और लोग बेवजह मौत के मुँह में समा रहे हैं। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानव श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।